INS24 की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटा बजाएं ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लॉकडाउन है और पूरे देश में इसे सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है। पूरी तरह से कामयाब बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के साथ साथ पुलिस की भी है। इसके लिए सरकार और पुलिस कई स्तर पर काम भी कर रही है जिससे लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। देश के अलग अलग राज्यों में पुलिस जहां गरीबों और जरूरतमंदों की हर तरह से मदद करने में जुटी है, वहीं बिहार के पूर्वी चंपारण के रघुनाथपुर ओपी थाना के थाना प्रभारी संदीप कुमार लॉकडाउन तोड़ने के कारण एक पिता को उसके दो छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने डंडे से पिटवा रहे हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ पुलिसकर्मी सड़क पर गश्त लगा रहे हैं, उसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार अपने दो छोटे बच्चों के साथ गुजर रहा है। पुलिस उसे रोकती है और उन दो मासूम बच्चों के सामने ही उसके पिता पर डंडे की बरसात शुरू कर देती है। पिता को पीटता देख भय से बिद के बच्चों पर पुलिस को तनिक भी दया नहीं आई। उसने अपने पापा की पिटाई देख दोनों बच्चे रोने और चिल्लाने लगते हैं, लेकिन पुलिस जवानों को उन मासूमों की आंसू पर न दया आ रही न तरस। पुलिस लगातार पिता के शरीर पर डंडे बरसा रही है। आप खुद देखिए पूरी वीडियो। पुलिस के इस खौफनाक चेहरे को देख चिल्ला रहे दोनों बच्चों का किसी ने वीडियो बना लिया जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। डर से सहमे बच्चे लगातार रोए जा रहे हैं। वही ओपी प्रभारी संदीप कुमार उन बच्चों से कहते नजर आ रहे हैं कि तुम्हारे बाप अच्छे आदमी नहीं है। पुलिस दिलासा के बदले यह बताने का प्रयास कर रही है कि इन बच्चों के सामने पिटाई के बाद शायद लोग घरों से बाहर न निकले। अगर यह समाज को सीख देने का तरीका है तो इसे लोग कतई झेल नहीं पाएंगे। अलग बात है कि पुलिस को इतना पता नहीं कि जो बच्चे अपने आंखों के सामने अपने पिता पर बर्बरतापूर्ण डंडे गिरता देख रहे हैं, उनके दिलो दिमाग पर क्या गुजर रही होगी। पुलिस की सख्ती लाजमी है, लेकिन इस तरह तो बिल्कुल नहीं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल INS24 को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटा दबाइए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुँचाएं। धन्यवाद।